आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें। ताली तो कोई उसमें वो नहीं है, जितना स्वागत कर ले जाए जोरदार तरीके से। और हमारे मुखदिति जी के द्वारा शास्त्री जी का सम्मान हो रहा है, ताली बजा करके स्वागत करें। और माला के द्वारा शास्त्री जी का माल्यार्पण का स्वागत हो रहा है हमारे छोटे भाई जितेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। और अगले क्रम में अब जोरदार आप लोग ताली बजा करके स्वागत करें। और हमारे छोटे भाई गुड्डू यादव जी असेवटा वाले वो भी आ जाए। और गुड्डू दोनों हमारे भतीजे हैं साहब, छोटे भाई, और हमारे नेता भी हैं। और ये सबसे पहले छोटे भाई जितेंद्र जी को पगड़ी पहना करके स्वागत करें। आप लोग ताली देंगे, हम लोग भी बजा दो। इनका नाम क्या? पंकज जी। और हमारे सुगम यादव जी पगड़ी पहना करके गुड्डू ये असेवटा वालों का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। और प्रबंधक जी संजू जी का स्वागत कर रहे हैं। आप लोग ताली बजा करके इनका स्वागत करें। और सभी हमारे मेहमानों का कोई रहना जाए उनका भी पगड़ी पहना करके, और हमारे राकेश जी का भी स्वागत करें पगड़ी पहना करके। आज सीतू यादव का भी जेव इनका भी कर दो भाई, पीछे ना रहे। और भाई जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। आप लोग ताली भी बजाओ। भाई हम तो हमारा तो स्वागत ही है। आप देखो जितने आप लोगों ने तो हमारे सांसद जी का पहली चोट है 13 अप्रैल को स्वागत कर दिया है। ये सबसे पहले इनका इतना बढ़ चढ़ के स्वागत किया है। ये लोकसभा में सबसे पहले अच्छे से अच्छे बहुमत से जीत करके पहुंचेंगे। और सच्चा स्वागत तो वही है। और देखिए हमारे जितने बारेपुर की कमेटी के लोग हैं, सभी नेताजी एवं इनके साथ में आए हुए इनके सभी साथियों का पगड़ी के द्वारा और एक एक अंग वस्त्र यानी पीतंबर के द्वारा इनका स्वागत कर रहे हैं। और हमारा भी एक सेहरा पहना करके स्वागत किया है। देखो ये जो कमेटी के जो सदस्य हैं सभी लोग मिलकर के हमारे मुख्य अतिथि जी का जतन जी का गुड्डू यादव जी सोनादा और ये असेवटा वालों का इनका बारी बारी से स्वागत करें। और ताली भी बजाते रहे भाई। और इसी मध्य में जितने भी युवा हैं, जो हमारे टीम के युवा लोग हैं वो भी हमारे प्रत्याशी जी को माला पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और हमारे ताली बजा करके उनका जोरदार तरीके से स्वागत करें। और सांसद जी का माननीय सांसद जी का स्वागत हमारे युवा टीम के
भाई जी कर रहे हैं, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और हमारे सांसद जी का कपिल यादव जी स्वागत कर रहे हैं, आप लोग जोरदार है तालियों बजाकर के उनका स्वागत करें। अब ये स्वागत कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज इस मद भागवत कथा में आए हुए सबसे पहले मैं कथावाचक को बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत करता हूँ और यहाँ के परिचित परिचिति को दोनों लोगों को प्रणाम करते हुए और यहाँ के सबसे बुजुर्ग एवं हमारे पिता तुल माता तुल बहने भाई सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर हमें जो बारेपुरा में भागवत कथा में बुलाया हमारे सीटू भाई ने और हमारे राजेंद्र शर्मा जी ने और यहाँ के सभी ग्रामवासियों ने जो हमारा बढ़ चढ़ के स्वागत किया। हमारे साथ में आए गुड्डू यादव सुरैना वाले जो कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं और अशेटा के प्रधान जी और यहाँ के डिग्री कॉलेज के प्रबंधक जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथीगढ़ ग्राम के सभी ग्रामवासीगढ़। अभी अभी हाल में चुनाव हुआ और मुझे इस लोकसभा का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और आपके बीच में सेवा करने का जो मौका देने का कार्य और समय दिया है मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपके बीच में सेवक बन के आया। आप लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और इस देश की रक्षा के लिए इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इन युवाओं के लिए किसानों के लिए जो आपने अपना अमूल वोट दे करके जो मुझे दिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दिया मैं आप लोगों का तहे दिल से चरण स्पर्श करता हूँ प्रणाम करता हूँ और हमेशा आपका सेवक बन के काम करता रहूंगा क्योंकि इस देश की सरकार अभी आपने पंडित जी ने कहा था कि जब तक चाहे प्रधान हो या कोई भी नेता हो उसके राज में अगर जनता भूखी रहती है या जनता परेशान है तो वो ही मालिक होता है ना। तो वो मैं पंडित जी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सरकार भाजपा सरकार है आरएसएस की सरकार है ये आपको मालूम होना चाहिए। चाहे प्रधान हो चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो अगर उसके विरोध में सरकार है और इतने भ्रष्टाचारी वाली सरकार है इतनी लुटेरी सरकार है इन्होंने पूरा देश बेचने का काम कर दिया है ये शायद आपको मालूम होना चाहिए। चाहे प्रधान हो चाहे कोई भी हो इनके राज में कोई भी खाना खा के नहीं सोने वाला। अगर ये दोबारा से आ गए तिबारा से अगर ये धरती पे आ गए तो अब की बार इन्होंने राशन में चीनी और मिट्टी का तेल ही कम किया अब की बार ये राशन भी खा जाएंगे पूरा इस चीज को आप देख ले रहा। इसलिए इनसे बचने के लिए यहाँ की सम्मानित जनता ने इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी को यही नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इसको कोई नहीं रोक सकता। और मुझे तो आप लोगों ने इतना लाड़ प्यार दिया 13 तारीख को इतना वोट दिया
इतना वोट दिए, जहां से भी आवाज आती है या फोन आता है तो सभी लोग यही कहते हैं आप तो दोरे जी लाखों वोट से जीत गए, कम से कम 2 लाख वोट से आप जीतेंगे। तो ये चुनाव मैंने नहीं लड़ा, ये चुनाव यहाँ के बुजुर्गों ने लड़ा, यहाँ के सम्मानित महिलाओं ने लड़ा, यहाँ की हमारी बहनों ने लड़ा, यहाँ के युवाओं ने लड़ा, यहाँ के किसानों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, इसलिए लाखों वोटों से जीतने का काम हो रहा है। और इतना ही नहीं, 4 तारीख को आपसे निवेदन करता हूँ, अभी तक तो हम रखवाली कर रहे हैं लेकिन 4 तारीख को आप लोगों से निवेदन करता हूँ, खासकर सभी युवाओं से, कि अपने अपने जिले में मंडी स्थल पर इन डकैतों से बचने के लिए सभी लोग भारी संख्या में पहुंचना, जिससे ये बेईमानी अगर करना चाहे तो इनके हाथ पैर उखड़ जाए, आप लोगों को देख करके कि अब जनता ने ये चुनाव लड़ा है, जनता के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इसलिए आप बेईमानी करने का इनका मन ही ना हो। आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों को चरण वंदना करते हुए और मैं यही चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, जिससे यहाँ के युवा किसान और हमारे आने वाले भविष्य के सभी बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, और कथा भागवत में गायक उनका भी सभी का सम्मान, और यहाँ की कमेटी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सभी लोगों को पैर छू करके आशीर्वाद लेता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की।